मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में भाई ने की अपनी बहन से फर्जी तरीके से शादी, हुआ खुलासा। समाज कल्याण विभाग ने दी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर। दरअसल पूरा मामला खंड विकास कार्यालय टूंडला से जुड़ा हुआ है, जहां 11 दिसंबर 2021 दिन शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 51 जोड़ों की शादी की गई थी। लेकिन जब इसकी जांच प्रक्रिया शुरू हुई तो एक बड़ा खुलासा सामने आया। एक भाई ने रुपयों के लालच के चक्कर में अपने ताऊ की लड़की से, जो कि रिश्ते में उसकी बहन लगती है, उसे शादी कर ली। शादी करने वाला युवक नाम महेंद्र है, जो कि थाना पचोकरा क्षेत्र के गांव नगला प्रेम का रहने वाला है। इसने अपनी ताऊ की बेटी ज्योति से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचकर शादी कर ली और शादी करके घर आ गया। जब अधिकारियों द्वारा शादियों का सत्यापन हुआ तो यह मामला फर्जी पाया गया। इसमें महेंद्र पहले से ही शादीशुदा निकला। उसकी 3 वर्ष पूर्व लता नाम की लड़की से शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का 2 साल का और 1 9 महीने का। जानिए पूरा माजरा क्या है। सामान मिलेगा, तुम शादी नहीं होगी तुम्हारी। तो वहाँ फिर फोटो खींचे थे तुम्हारे? फोटो खींचे थे लेकिन शादी नहीं की थी वहाँ पे। क्या किया था फिर? कुछ नहीं, खाली खड़े हुए थे बस। किसने लालच दिया था, क्या था? जी कहीं सामान मिलेगा चलो। और पैसे वैसे की बात भी थी? जी कहीं थी 10,000 रुपये मिल जाएंगे चलो। कोई कर्मचारी है? नाम पता है उसको क्या है? आते हैं वो, आते हैं कर्मचारी? अब पता है, अब 9 तारीख को आए थे, अब पता नहीं आए हैं। लता जो आपके पति हैं उनका क्या नाम है? अच्छा, जो उन्होंने शादी की थी 11 तारीख को, किससे की है? बहन है वो। कौन है? चाचा की लड़की। अच्छा, तो आपको नहीं पता था वो शादी कर रहे हैं दूसरी? नहीं। कब पता लगा आपको? हो गई थी शाम को आएगा तब। क्या बता रहे थे? हमें उन्होंने नहीं बताया है, तो जो आए थे वो तब पता चली है कि ऐसे ऐसे गाँव में हल्ला हुआ है। सर, अभी टूंडला में जो भी कंप्लेन आई थी जिस भी तरह की, उस पर अभी हम लोगों के द्वारा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं उनको हमने बोला है, वो जांच करेंगे हर एक की पात्रता की जांच करेंगे, और अगर किसी तरह की कोई भी अगर नियमों के अनुसार अगर कोई काम नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी।